गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जुलाई 28 तारीख रविवार। आज रही गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण समस्त अनुरोध भिडियोटि समस्ते गोटर लाइक करबे एवं हां चैनलटि को सब्सक्राइब मध्ये करनेबे। ता सहित आपण माने आम भिडियोटि को केउं जिल्लार देखछन्दि आमकु कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाइबे। तो चालंतु आउ डेर न करी आज प्रथम खबर उपरे नजर पकाइनेबा। चालंतु प्रथम बड़ खबर देखंतु। नीति आयोग बैठक रे ओडिशार दाबी रखिले मुख्यमंत्री मोहन माझी। बंदर भित्तिक शिल्पांचल प्रतिष्ठा पई दाबी कले सहायता। नीति आयोग बैठक में विभिन्न दावी करछन्ति ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन माझी। राज्य में बंदर भित्तिक शिल्पांचल प्रतिष्ठा दाबी पई सहायता लोडिछन्ति मुख्यमंत्री। धामराव गोपालपुरर निकट शिल्पांचल गठन दाबी करछन्ति। एथिपई गंजाम जिला प्राय 4300 एकर जमी हस्तांतर पई केन्द्र सरकार निकट दाबी होइछि। एहासो विपज्य भित्तिभूमि प्रकल्प को तुरंत केन्द्रीय मंजूरी पई दाबी कराइछि। अंतरराज्य अक्षय शक्ति परिवहन करिडोर पई प्रस्ताव रखिछन्ति मुख्यमंत्री। सेहिपरि टेलीकॉम शक्ति क्षेत्र में भित्तिभूमि पई दाबी होइछि। एथिरे बैंक नथिया पंचायत रे बैंक एटीएम खोलिबाकु केन्द्र को सहायता मागिछि राज्य। या सहित राज्य में रेल संजोग बढ़ावा सह कार्बन निर्गम किपरि कम करा जाय परबो सेतिपई सहायता लोडिछन्ति राज्य सरकार। सेहिपरि पीएम जनजामी योजना रे आदिवासी को विकास शिक्षा स्वास्थ्य जीविकार सुजोग सृष्टि करबा एवं 2036 सुधा विकसित ओडिशा गठन लक्ष्य पई दाबी होइछि। चालंतु खबर अछि बापडा घाटे भूस्खलन 18 गां को जगाजग विच्छिन्न। मालकानगिरी जिला करुकंड ब्लॉक अंतर्गत बापडा घाटे पुणि भूस्खलन 18 गां सहित जगाजग विच्छिन्न। लगाण वर्षा जो मालकानगिरी जिले में पुणि स्थिति सांघातिक होइछि। नाकामाउड़ी पंचायत अंतर्गत बापडा घाटे बड़धर भूस्खलन होगा जो बाह्य जगत विच्छिन्न होइछन्ति 18 गां बासिंदा। सूचना थाउ कि लगाण वर्षा जो मालकानगिरी सांघातिक होइछि स्थिति। बारंबार भूस्खलन होबारु घाटी 18 गां को जगाजग विच्छिन्न होइछि। ता सहित देखंतु यूबीआई छात्र छात्री द्वादश पर्यंत मागणा शिक्षा पाइबा को हकदार। घर स्कूल मानकु झटका देले हाईकोर्ट। घर स्कूल मानक पाठ पढ़ुआ आर्थिक दुर्बल श्रेणी छात्र छात्री को नहीं दिल्ली हाईकोर्ट एक बड़ राय देइछंती। ईडब्ल्यूएस वर्ग छात्र छात्री माने द्वादश श्रेणी पर्यंत मागणा रे शिक्षा पाइबा को हकदार अटंती। एही मामला रे 12 रु अधिक अभिभावक कोर्ट को द्वारस्थ होइथिले। कोर्ट तांकर राय रे 35 जन छात्र छात्री को आश्वस्ति देइछंती घर स्कूल रे छात्र छात्री को पाठ पढ़ा को प्रभावित न करिया को कोर्ट निर्देश देइछंती। चालंतु एक बड़ खबर देखंतु। यूट्यूबर को उपरे लगाम लगा को अंटा भिड़िले सरकार आणिबे बिल। यूट्यूबर को उपरे लगाम लगा पई अंटा कसिलेनी मोदी सरकार। एने सब प्रस्तुति मध्ये शेष करि सारलेनी। एथिपई मोदी सरकार नुआ बिल आणिबाकु जाउछन्ति। जेउ माने नियमित भाबे सोशल मीडिया रे भिडियो अपलोड करंती पॉडकास्ट तयारी करंती किंबा ऑनलाइन कंटेंट अफेयर्स विषय रे न्यूज लेखतांती सेमानकु डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर भाबे तालिकाभुक्त करबाकु सरकार चिंता करछन्ति। आगकु खबर देखंतु। ममताउ भेटिले मुख्यमंत्री मोहन माझी। मुख्यमंत्री मोहन चर माझी शनिवार नुआ दिल्ली गस्तरे अछन्ती। सेठारे पहुंची से पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानर्जी को साक्षात करछन्ती। ममता को साक्षात करी आलु जगाण समस्यार समाधान पई आलोचना करिछन्ती मोहन माझी। उभय मुख्यमंत्री नीति आयोग बैठक रे जगदेव पई दिल्ली रे अछन्ती। आलोचना रे मुख्यमंत्री ओडिशा रे आलु समस्या ने ममता को अवगत कराइछन्ती। से कहिछन्ती पश्चिमबंगरु ओडिशा को आलु जगाण बाधाप्राप्त होइथवारु दरदाम आहेतुक वृद्धि पाउछि। एहा द्वारा राज्यर जनसाधारण असुविधार सम्मुखीन होइछन्ती। ए समस्यार शीघ्र समाधान पई से ममता बानर्जी को अनुरोध करिछन्ती। आगक एक बड़ खबर देखंतु। सुभद्रा प्रतारणा वंचित। राज्यर 85 लाख महिला बजेट रे मात्र 10,000 कोटी बराद। राज्यर प्रत्येक परिवार जने महिला को सुभद्रा योजना रे 50,000 टंका सहायता दिया। निर्वाचन पूर्वरु बीजेपी घोषणा पत्र रे एहा प्रकाशित होइतिला। बीजेपी प्रमुख 21 संकल्प मध्यरु क्रमांक 3 रे स्थान पाइथा सुभद्रा योजना थिला अन्यतम। एथिरे प्रत्येक महिला को 2 वर्ष मध्यरे खर्च करबा निमन्ते 50,000 टंकार नगद भाउचर दिया जिवा कथा कुआ जाइतिला। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होछि राज्यर प्रत्येक महिला को सुभद्रा योजना रे शामिल करा जिवो बोली बीजेपी घोषणा करथिला। परवर्ती समय विभिन्न समावेश रे दलियों नेता ने प्रत्येक परिवार जने महिला को सुभद्रा सहायता मिलिबो बोली कहिथिले। मात्र सरकार गठन पर एथिरे रखाइथिबा शर्त बजेट व्यय को देखिले योजनारु 4/5 महिला वंचित होबे आपातत स्पष्ट। 2011 जनगणना अनुसार ओडिशा रे परिवार संख्या 96,61,085। संप्रति एही परिवार संख्या वृद्धि पाई 1.05 कोटी रे पहुंचीछि। 20 लाख महिला को सुभद्रा योजना सहायता प्रदान करागले सीधा सड़क 85 लाख परिवार महिला माने एथिरु वंचित होबे। जदि निर्वाचन इस्तारे प्रत्येक महिला को भाउचर प्रदान प्रसंग को ग्रहण करा जाय तबे राज्यर 1.5 कोटी महिला एही सहायतारु वंचित होबे। चालंतु खबर अछि 23 अगस्त को युक्रेन जाय परंती प्रधानमंत्री मोदी। रूसिया सहित युद्ध मध्ये एहा प्रथम गस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 23 अगस्त युक्रेन गस्त करिवे। एही समय रे से युक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को भेटिवे। रूसिया युक्रेन सहित युद्ध परे एहा प्रधानमंत्री को प्रथम युक्रेन गस्त हबो। प्रधानमंत्री मोदी रूसिया गस्तरे जाय राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन को भेटिवार किछि दिन परे एही गस्त होउछि। प्राय 1 मास पूर्वरु इटाली रे G7 शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी जेलेंस्की को भेटथिले। एही मास आरंभ रे जेतेबेले प्रधानमंत्री रूसिया गस्तरे थिले
उभय देश परमाणु शक्ति और जहाज निर्माण समेत विभिन्न क्षेत्र में सहयोग वृद्धि करने को राजी होते मंगलवार दुई नेता मस्को में भेटा पर देह समस्या समाधान आलोचना करते परवर्त खबर देखु ग्राहकों बड़ आश्वस्ति चार दिन में 6000 खसला सुना सुना किणापी सुवर्ण सुजोग ग्राहकों बड़ आश्वस्ति लगातार खसुची सुना दर बजेट आसवर चार दिन मध्य 6000 टंका सस्ता है सुना से रूपा दर 7000 टंका ह्रास घटी बजार मूल्यवान धातुर बढ़ी चाहिदा पूर्णांग बजेट उभय सुना और रूपा पर सीमा शुल्क को ह्रास करती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यार प्रभाव में लगातार उभय धातु दर में पतन घटी राजधानी भुवनेश्वर 10 ग्राम पिछा 24 कैरेट सुना दर में 1090 टंका ह्रास घटा बेले 22 कैरेट सुना 1000 टंका सस्ता उभयर दर यथाक्रमे 68770 टंका और 63000 टंका को खसी आई किलोग्राम पिछा रूपा दर 99000 टंकार अपरिवर्तित रही किसी दिन तले 10 ग्राम पिछा सुना दर 75000 टंका पार कर लक्ष्य डेईला रूपा आगो खबर देखु मेहरुणी नाल में 5 फुट बन्यजल प्रवाहित सेतु निर्माण पर स्थानीय लोकों दाबी लगाण वर्षा जारी रही फल बौद्ध जिलार विभिन्न अंचल रही जलमग्न फल कंटामाला ब्लक नंबसरी ग्राम पंचायत अंतर्गत खमार निकट रहता रास्ता उपरे 5 फुट उच्चर पा प्रवाहित होती अनेक गांव बाह्य जगतर विच्छिन्न अच्छी सूचना अनुजाई जलमग्न हो बौद्ध जिला विभिन्न स्थान में रास्ता उपरे जल प्रवाहित हो देखा मिली फल मेहरुणी नाल 5 फुट उच्चर बना जल प्रवाहित होल 5 फुट उच्च पा प्रवाहित होता बेले उत्तर नाल छात्र छात्री विद्यालय को जाता देखा मिली चलतु खबर अच्छी प्यारिश ओलंपिक्स सुटिंग में निराश है भारत प्यारिश ओलंपिक्स रु नैराश्यजनक खबर आई सुटिंग में भारतीय टीम को निराश हो पड़ी फाइनाल प्रवेश कर पारे रमिता जिंदल अर्जुन बौता जोड़ी शनिवार दिन 12:30 प्रथम 10 मिनट एयर राइफल मिश्र टीम योग्यता मैच आरंभ होता रमिता जिंदल अर्जुन बौता जोड़ी पदक रेस्रु बाद पड़ जाती भारतीय दलर जोड़ी रमिता और अर्जुन षष्ठ स्थान बेले एला बेलीन और संदीप द्वादश स्थान रही उभय भारतीय दल पदक दौड़ बाद पड़ते पिस्तल इवेंट उपर नजर रही वर्षा नहीं एक बड़ खबर देखु 31 जाए प्रबल बर्ष सतर्क सूचना जारी लघुचाप क्षेत्र सृष्टि जो 31 जाए राज्यर अधिकांश स्थान प्रबल वर्षा संभावना थी नहीं शनिवार पापा विभाग पूर्वानुमान कर आज 5 जिले में पापा विभाग पक्ष हलदिया सतर्क सूचना जारी कर बरगढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ नुआपड़ा और नवरंगपुर प्रबल वर्षा संभावना रही तलिया अंचल पा जमीवा आशंका रही सतर्क रहा स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर सत्यव्रत साहू परामर्श देते सूचना योग्य उत्तर बंगोपसगर और यार पार्श्वर्त उपकूल बांग्लादेश गांगेय पश्चिमबंग एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि संप्रक्त लघुचाप पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे अग्रसर हो आसंता दुई दिन मध्य गांगेय पश्चिमबंग और झारखंड आड़क मुहब पापाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार संप्रक्त लघुचाप प्रभाव में सारा राज्य में हालाकू मध्यम वर्षा हो पाए किंतु उत्तर ओडिशार किसी अंचल प्रबल वर्षा संभावना रही सहित देखु हीराकूद जलभंडार जलस्तर 610.71 फुट सतर्कता अवलंबन प्रचार हीराकूद जलभंडार जलस्तर 610.71 फुट पहुंची आज पूर्वाह्न 9:00 चलित वर्षर प्रथम बन्या जल निष्कासन तेणु एने डाकबाजी जंत्र सहरवासी को सचेतन कराई नदी को नजवा लगी लोक सतर्क कर निर्देश खिलाफ कले मुख्यतः कर्तृपक्ष दायी रही ना कहु शुक्रवार संध्या 6:00 सुधा जलभंडार जलस्तर 610.71 फुट रही बेले उपर मुंडर 2,23,675 क्यूसेन जलभंडार को प्रवेश करुच्छ विभिन्न मध्यम 39,114 क्यूसेन जल निष्कासन हो इलेक्ट्रिक गाड़ी किले मिल सबसीडी समय सीमा वृद्धि कले सरकार केन्द्र सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 को 2 मास अर्थात 30 सेप्टेम्बर पर्यंत वृद्धि करछंती एने भारी शिल्प मंत्रालय सूचना देछि शुक्रवार मंत्रालय पक्ष एक बिबृति कहुजी योजनार मोट खर्च 778 कोटी टंकार वृद्धि कराई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 एक गेजेट विज्ञप्ति मध्यम 13 मार्च 2024 मंत्रालय द्वारा आरंभ कराइथिला एही योजना रे सारा देश में वैद्युतिक जान ईवी ग्रहण को वृद्धि करने को लक्ष्य रखाई यहाँ मूलतः 1 एप्रिल-1 जुलाई 2024 पर्यंत चलिया को स्थिर होता जो मोट 500 कोटी टंका खर्च होता किंतु वर्तमान यह संशोधन कराई योजना अधीन क्रेता मैंने 2 चकिया ईवी 10,000 टंका एक छोट 3 चकिया 25,000 टंका और बड़ 3 चकिया 50,000 टंका पर्यंत सब्सिडी सुविधा पाइपारे चलतु खबर अच्छी दुग्ध कारखाना उपर अचानक चढ़ऊ कले मंत्री कृष्णचंद्र पात्र निम्नमान दुग्धजात सामग्री उत्पादन करने और परिवेश प्रदूषण करुवा अभियोग शनिवार राज्य खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र अचानक गप ब्लक सारपड़ा निकटस्थित मिल्क मु घर दुग्ध प्रक्रियाकरण फैक्ट्री परिदर्शन कर दुग्धजात उत्पादित सामग्री मान संग्रह कर फैक्ट्री द्वारा प्रदूषण अभियोग प्रमाणित हेले उत्पादित सामग्री मान परीक्षा ठिक नथिले फैक्ट्री कर्तृपक्ष विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान मंत्री चेतावनी आगो खबर देखु डोडा आक्रमण घटना आतंक
ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସ୍କେଚ୍ ଜାରି କଲା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଲେ ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଡୋଡାରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ 3 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସ୍କେଚ୍ ଜାରି କରିଛି। ଡୋଡୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସହ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 3 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସ୍କେଚ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଡୋଡା ପୋଲିସ ନିଜ ଅଫିସିଆଲ ଏକ୍ସପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସ୍କେଚ୍ ଜାରି କରିଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଡୋଡାରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ 3 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସ୍କେଚ୍ ଜାରି କରିଛି। ପୋଲିସ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କୌଣସି ଜଣେ ବି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଦେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଡୋଡା ପୋଲିସ ମୁଖପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଏହି 3 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉପର ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗତ 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ବେଳେ ଗୁଳିମାଡ଼ ଜଣେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଓ 3 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ବଡ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ଋଣରେ ବୁଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶା। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 20,000 ଟଙ୍କା ଋଣ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 96,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଅନେକ ଲୋକବିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଚଳାଇ ବାହାବା ଲୁଟିଥିଲେ। କାଳିଆ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଭଳି ଯୋଜନାରେ ହାତ ଖୋଲି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଆଉ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଭୋଟ ହାତେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନବୀନ ସରକାର ଚଳାଇଥିବା ଏସବୁ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି। ମୋହନ ମାଝୀ ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟକୁ ଋଣରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ବିଜେଡି ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତ 25 ତାରିଖରେ 2,65,000 କୋଟିର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 15.2% ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯୋଜନା ବାବଦ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ସରକାର ଅର୍ଥ ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଆହୁରି ଋଣ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଗକୁ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ତିହାର ଜେଲ୍ରେ 125 କଏଦୀ ଏଚ୍ଆଇଭି ପଜିଟିଭ୍, ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ତିହାର ଜେଲ୍ରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜେଲ୍ରେ 125 ଜଣ କଏଦୀଙ୍କୁ ଏଚ୍ଆଇଭି ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତିହାର ଜେଲ୍ର 3 ଭିନ୍ନ ଜେଲ୍ ତିହାର, ତିହାରିଣୀ ଏବଂ ମାଣ୍ଡଲି ରହିଛି। ସଂକ୍ରମିତ କଏଦୀମାନେ କେବଳ ଏହି ଜେଲ୍ରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବନ୍ଦୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏଡ୍ସରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 200 କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଲିପିସ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଅଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ବିଦେଶରେ 600ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁ। ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁସାରେ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ 41 ଦେଶରେ 633 ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାନାଡ଼ାରେ 172 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସାମିଲ ରହିଛି। କେରଳରୁ ସାଂସଦ କଡିକୁନିଲ ସୁରେଶଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୀର୍ତ୍ତିବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଲୋକସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲା ଚାଇନା। ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ଚାଲିଥିବା 2024 ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି ଚାଇନା। 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ ମିକ୍ସଡ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଚାଇନା ଟିମ୍ର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ କବ୍ଜା କରିଛି। ସେହିପରି କୋରିଆ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବା ବେଳେ କାଜାଖସ୍ତାନ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାତେଇଛି। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କାଜାଖସ୍ତାନ 17-5 ଜର୍ମାନୀକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଆଗକୁ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ପିଆଜ ଚାଷ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। 58 ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ହେବ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। 3 ଦିନରେ କମିବ ଆଳୁ ଦର। ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ଆଳୁ କିଲୋ ପ୍ରତି 20 ରୁ 25 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଓ ପିଆଜ ଚାଷକୁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 58 ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ତିଆରି ହେବ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ନେଇ ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବିଜେପି ଓ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ତିରଙ୍ଗା ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଳୁ ସଙ୍କଟ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଦୂର ହେବ। ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଆଳୁ ଦର 32-34 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଳୁ ଦର କିଲୋ ପ୍ରତି 20 ରୁ 25 ଟଙ୍କା ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ବାସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏଇଠି ରହିଲି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି।